गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर कविता साहनी फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जोमू। बीएससी पार्ट थ्री के थर्ड पेपर में इकोनॉमिक जूलॉजी में पीसी कल्चर के बारे में हम पढ़ रहे थे, और पिछली क्लास में मैंने आपको पीसी कल्चर के लिए कौन कौन सी फिशेज यूज़ की जाती हैं, किस तरीके से फिश का कल्चर किया जाता है, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं और किस तरह की फिशेस यूज़ करनी चाहिए कल्चर के लिए, इसके बारे में बताया था। आज कल्चर के बारे में पढ़ेंगे, या फिश फार्मिंग जो कर रहे हैं किस तरीके से कल्चर करते हैं, कितनी प्रकार का ये होता है और क्या इसका प्रोसेस है। तो पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फिश कल्चर, यानी फिश कल्चर कितनी तरह का, किस प्रकार का होता है। फिश जहाँ पर कल्चर की जाती है, फिश हैचरीज उन्हें कहते हैं, वो एरियाज जहाँ पर कि फिश का कल्चर कर रहे हैं फिश हैचरीज उनको कहते हैं। और ये दो तरह की होती हैं फिश हैचरीज, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव फिश कल्चर ये कहलाता है। एक्सटेंसिव फिश कल्चर, जैसा नाम है एक्सटेंसिव, इसको याद रखने के लिए जैसे एक्सटेंड करना, बढ़ाना, उसे याद रख सकते हैं आप। एक्सटेंसिव फिश कल्चर वो होता है जहाँ पर कि जो वाटर बॉडी है या बहुत लार्ज एरिया होता है, पानी का बहुत बड़ा एरिया होता है जिसको कि यूज़ किया जाता है इस पर्पज़ के लिए, और उसमें फिर न्यूट्रिशनल और एनवायरमेंटल नीड्स दोनों को पूरा किया जाता है। क्योंकि जिस भी एरिया में फ़िश का कल्चर कर रहे हैं उनके न्यूट्रिशन का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, वाटर के एनवायरमेंट का ध्यान रखना पड़ेगा, उसके पैरामीटर्स जैसे पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था टाइम टाइम पर चेक करने पड़ेंगे, तो उन सब का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। तो इस प्रकार एक्सटेंसिव फिश कल्चर में जो पॉन्ड है फिश कल्चर का, जहाँ पर कि फिश कल्चर किए जा रहे हैं, उसमें ऑप्टिमम अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो मेंटेन की जाती हैं, जैसे कि फिश को स्पॉन करने के लिए, अंडे देने के लिए, और जो भी सेमी नेचुरल कंडीशंस हैं, कुछ नेचुरल कंडीशंस हैं कुछ जो हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी उसमें वो ग्रो कर सके इसके लिए। अब पॉन्ड की जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ाने का प्रयास किया जाता है, जिससे कि जो नेचुरल कंडीशंस हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट है, उसको इम्प्रूव करके पॉन्ड की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाता है। इसी के साथ जो सर्वाइवल रेट है वो ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा फिशेज जिंदा रह सकें, सर्वाइवल रेट ज़्यादा हो, इसके लिए ये जो एरिया हमने लिया है उसमें से कंपटीशन को हटाया जाता है। यानी फिशेस जो हैं, जैसा मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, लड़े नहीं, एनिमीज उनके ना हो, फिशेस जो हैं आराम से रहें एक दूसरे के साथ और कैपेबल हों एक दूसरे के साथ में, और जो एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी जिससे कि दूसरी फिशेस को नुकसान पहुंचता हो, उन फिशेस को वहां से हटा दिया जाए। अब इस बात का भी हमें क्योंकि ध्यान रखना है कि फिशेस जो अच्छी साइज़ की और उनका साइज़ यूनिफॉर्म हो, क्योंकि एक सी फिशेस सारी हों तो इसके लिए इस बात का ध्यान रखना पड़ता है, सारी अगर फिशेस हमें जो प्राप्त करनी है वो एक ही साइज़ की, तो इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि जो स्पॉनिंग है वो सेम टाइम पर हो, यानी फिशेस एक टाइम पर ही अंडे दें। और ये करने के लिए फिर हार्मोन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, तो हार्मोन इंजेक्शन देकर इसको मेंटेन कर सकते हैं। और उसके बाद फिर ये जो स्पॉनिंग टाइम है वो दिया जाता है पॉन्ड में फिशेस को, और इसको भी कंट्रोल करने के लिए जो फिशेस हैं उनको सेपरेट कर लिया जाता है, यानी सेक्सेस जो उनके अलग कर लिए जाते हैं। तो इस प्रकार इन कंडीशंस का ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा मतलब मेन इसमें जो फोकस होता है वो स्पॉनिंग और सर्वाइवल पर होता है फिशेस के, कि स्पॉनिंग टाइम पर हो, सबकी साथ हो और सर्वाइवल अच्छे से हो फिशेस का। इसके अलावा इसको मेंटेन करने के लिए
जो एरिया है पाउंड का लिया है हमने, उसमें नायलॉन का जो फाइबर होता है उसके नेट्स जाल लगा देते हैं। अगर आप कभी गए हों सी शोर पे या कभी किसी ऐसे एरिया में, तो आपने देखा होगा किनारे पर नायलॉन की बहुत बड़ी सी जाली लगी हुई होती है। तो ये एक एरिया बना दिया जाता है फिशेस के लिए, जहाँ पर कि वो अंडे दे सकें। और जब वहाँ पर अंडे इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसके बाद उस मैश को या उस जाल को हटा लिया जाता है और फिर ये जो है हैचरी टैंक्स में रख देते हैं, जहाँ पर फिर उसकी ज़रूरत होती है। हैचरी जहाँ पर कि छोटे छोटे यंग वंस इसके निकलते हैं, और उनकी केयर करने के लिए और उनके प्रोटेक्शन के लिए इसकी ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से बड़े एरिया में फिश का कल्चर करते हुए उसको भी मेंटेन और कंट्रोल किया जाता है। दूसरी तरह का फिश कल्चर है इंटेंसिव फिश कल्चर। इस तरह का जो फिश कल्चर है, या इस तरह के फिश कल्चर में छोटे पॉन्ड्स यूज़ करते हैं, छोटे छोटे पॉन्ड्स या टैंक्स यूज़ करते हैं। और फिर उसमें भी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, यानी खाने की रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है, वो की जाती है हैंड फीडिंग से। और दूसरा एनवायरमेंटल नीड्स भी होती हैं, एनवायरमेंट का भी ध्यान रखना होता है, जैसे वाटर के टेम्परेचर का या दूसरे पैरामीटर्स जैसे मैं बता रही हूँ आपको, तो उन सब का ध्यान भी रखना पड़ता है। तो इसको भी कंट्रोल और मेंटेन किया जाता है बाय रैपिड एक्सचेंज ऑफ वाटर। तो जो पॉन्ड जिसमें कि हम कल्चर कर रहे हैं, उसके पानी को बार बार थोड़े थोड़े समय में चेंज करके इसको मेंटेन किया जा सकता है। अब इस तरह के जो पॉन्ड्स यूज़ करते हैं, उनके साइज़ का भी हमें ध्यान रखना होता है। रोज पानी जो उसमें आ रहा है, वाटर इनटेक जो है, उसका भी ध्यान रखना होता है। अब अलग अलग तरह के पॉन्ड यूज़ किए जा सकते हैं। एक होता है रेसवे, जिसमें कि लीनियर पॉन्ड होता है, लंबा होता है, जिसकी जो लंबाई है वो उसकी चौड़ाई की करीब 10 गुना होती है। और ये मोस्ट पॉपुलर टाइप का पॉन्ड है फिश को पालने के लिए। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो पॉन्ड यूज़ होता है और जो जो यूज़ किया जाता है, वो होता है रेक्टेंगुलर पॉन्ड, क्योंकि इसमें जो वाटर है उसमें वाटर जो है हायर वाटर वेलोसिटी होती है, और वाटर का सर्कुलेशन जो है वो प्रॉपर होता है, जिससे कि जो फीड है, वाटर जब सर्कुलेट होगा घूमेगा, तो फीड का सर्कुलेशन प्रॉपरली पूरे पॉन्ड में हो जाता है। और इसके अलावा इसकी जो इंक्रीज्ड वेलोसिटी है, उससे प्रॉपर एरेशन भी हो जाता है। जब वाटर मूव कर रहा है, तो प्रॉपर एरेशन भी हो जाता है वाटर का, जो कि फिश के सर्वाइवल के लिए अच्छा होता है। इसके अलावा जो वाटर सप्लाईज हैं, उनका ध्यान रखना ही होता है, जैसे जहाँ से वाटर एंटर हो रहा है वो भी, और जहाँ से पानी बाहर निकल रहा है उनको भी रेगुलरली मॉनिटर करना होता है, और ये देखना होता है कि केमिकल कंटेंट उसमें ज़्यादा ना हो। प्रॉपर ऑक्सीजन चाहिए उनको, तो सफिशिएंट ऑक्सीजन की सप्लाई होनी चाहिए। जो पानी अंदर आ रहा है इस पॉन्ड में, उसमें सफिशिएंट ऑक्सीजन की सप्लाई होनी चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन जो है ज़रूरी है फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए। क्योंकि फूड का ब्रेक डाउन होगा तभी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और वो एनर्जी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जब वाटर एंटर हो रहा है, उसमें ध्यान रखना चाहिए कि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा सफिशिएंट हो, और जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है वो आउटगोइंग वाटर के साथ बाहर निकलती जाए। इसके अलावा जब वाटर को अगर हम रियूज कर रहे हैं एक पॉन्ड से दूसरे पॉन्ड में, तो उसको नए उसमें एंटर कर सकते हैं, ऑक्सीजन कंटेंट उसमें और डाल सकते हैं। तो इस तरीके से एक्सटेंसिव और इंटेंसिव फिश कल्चर कर सकते हैं, सारी ज़रूरतों का ध्यान रखते हुए। अब हम आते हैं स्टेप्स ऑफ फिश कल्चर। फिश कल्चर के क्या स्टेप्स हैं, क्या तरीके हैं फिश कल्चर करते समय? मेन जो फिश फार्म होता है, उसमें एक चेन होती है पॉन्ड्स की। जब जैसा भी मैंने बताया, पॉन्ड बनाते हैं फिश कल्चर करने के लिए, तो लेकिन उसमें एक
चेन होती है पॉन्ड्स की, यानी एक के बाद एक पॉन्ड्स होते हैं या टैंक्स होते हैं, और इन सभी को पानी से भरा जाता है, रनिंग वाटर इनमें चलता है। और ये जो पॉन्ड्स हैं, चार तरह के पॉन्ड्स होते हैं या टैंक्स छोटे छोटे जो अगर हमने बनाए हैं तो चार तरह के टैंक्स होते हैं। एक होता है हैचरी टैंक्स, जो कि न्यूली हैच्ड लार्वी जो है इनको कलेक्ट किया जाता है। फिर होते हैं नर्सरी टैंक, जो कि सबमर्ज होते हैं रेनी सीजन में, रेक्टेंगुलर टैंक ये होते हैं। इसके बाद रेयरिंग टैंक होता है, जो फिश फ्राई करीब एक इंच की जब होती हैं, उनका साइज जब हो जाता है तो उनको इस टैंक में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और फिर 4 से 6 महीने तक इस टैंक में, रेयरिंग टैंक में रखा जाता है पाल। फिर होता है स्टॉकिंग टैंक। स्टॉकिंग टैंक जो होता है वो मेन टैंक होता है, जहाँ पर कि यंग फिश को जो है स्टॉक किया जाता है, रखा जाता है, वहाँ पर स्टॉक उनका किया जाता है जब तक कि वो मार्केट में भेजने लायक नहीं हो जाती। तो ये टैंक सबसे बड़ा टैंक होता है, करीब 6 से 10 फीट गहरा भी ये होता है। तो फिश कल्चर करने के लिए जो स्टेप हैं, सबसे पहली बात जो होती है टैंक की तैयारी करना, प्रिपरेशन ऑफ टैंक्स। तो टैंक्स जो हैं तैयार किए जाते हैं, जैसे मैंने बताया अलग अलग टैंक बनते हैं, और उन टैंक्स को हर एक साल अच्छे से साफ करना होता है। और जब भी ब्रीडिंग सीजन हो उससे 1 महीने पहले इनको अच्छे से साफ करके क्लीन कर देना चाहिए। उसमें अगर कोई भी अनवांटेड वीड्स हैं, कोई भी जंगली पौधे या एक्वेटिक एनिमल्स जिनकी की हमें ज़रूरत नहीं है, उन सबको वहाँ से हटा के जो है टैंक को क्लीन करके और पानी से, साफ पानी से भर देना चाहिए। ऑर्गेनिक मैन्योर इसमें यूज़ कर सकते हैं, जैसे काउडंग और डाइल्यूट सीवेज जो है वो इसमें ऐड किया जा सकता है, जिससे कि फिशेस को न्यूट्रिशन मिलता है और अच्छी ग्रोथ उनकी होती है। क्योंकि ये जो ऑर्गेनिक मैटर इसमें होता है उस पर प्लैंकटॉन्स ग्रो करते हैं, और वो प्लैंकटॉन्स जो है वो फीड का काम करते हैं फिशेस के लिए। तो इस तरीके से टैंक्स को तैयार किया जाता है। सेकेंड स्टेप जो है वो है कलेक्शन ऑफ स्पॉन। फिशेस जो मैंने आपको बताई थी, मेजर कार्प्स होती हैं, जैसे लेबियो होती है, कटला होती है, सिरिना होती है, या थोड़ी और जो फिशेस हैं, वो एक कन्फाइंड वाटर में नहीं ब्रीड करती। वो अपने अंडे जो देती हैं वो शैलो वाटर में देती हैं, छिछला पानी जो होता है वहाँ पर ये देती हैं, जैसे कि रिवर के आसपास का हो गया, उसके बैंक्स हो गए, किनारे हो गए, वहाँ पर देती हैं। तो जितने भी एग्स जो हैं या न्यूली हैच्ड लार्वी हैं उनको इकट्ठा किया जाता है वहाँ से, नेट्स होते हैं, जाल होते हैं, उनको बंची जाल कहते हैं, और नेचुरल ब्रीडिंग ग्राउंड से, क्योंकि ये वहीं ब्रीड करती हैं, वहीं अंडे देती हैं, तो नेचुरल ब्रीडिंग ग्राउंड से इनको इकट्ठा किया जाता है और फिर उनको स्टोर कर लिया जाता है अर्दन पॉट में, और उसके बाद ट्रांसफ़र किया जाता है हैचिंग पिट में। जब हमने कलेक्ट किए अंडे वहाँ से, तो उससे 12 से 14 घंटे के अंदर ही उनको हैचिंग पिट में ट्रांसफ़र किया जाता है। सो द नेक्स्ट स्टेप इज़ ट्रांसफ़र इन हैचिंग पिट। जो फर्टिलाइज्ड एग जो हैं उनको फिर अब हैचिंग पिट में रखा जाता है हैचिंग होने के लिए। ये दो तरह के होते हैं हैचिंग पिट, एक होता है हैचरी और दूसरे होते हैं हैचिंग हैप्पा। हैचरी जो होते हैं वो छोटी साइज़ के पॉन्ड होते हैं, छोटे आकार के, जिसमें कि फर्टिलाइज्ड एग को ट्रांसफ़र किया जाता है, और उसमें से फिर 2 से 15 घंटे के बाद ये फर्टिलाइज्ड एग पे हैचिंग हो जाती है। दूसरी तरह के जो हैं वो है हैचिंग हैप्पा। ये हैचिंग हैप्पा जो है वो मॉस्किटो नेट जो होती है, मच्छरदानी जैसी होती है जाली, उस तरह के कपड़े की ये बनी हुई होती है, जिसमें कि इसके बम्बू के जो होता है ना बांस, उसके पोल लगे हुए होते हैं, ये रिवर के किनारे पे जैसे मैंने लगे हुए होते हैं, और इनको हैचिंग हैप्पास कहते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, कंटिन्यूसली वाटर फ्लो करता रहता है, तो कंटिन्यूसली वाटर के फ्लो करने के कारण उसमें एरेशन हो जाता है। और ये जो हैप्पास हैं ये यूज़ किए जा सकते हैं, और हैचिंग के लिए यहाँ पर करीब 36 से 48 घंटे यहाँ पर इनको रखा जाता है, और उसके बाद ट्रांसफ़र कर दिया जाता है नर्सरी में। सो द नेक्स्ट स्टेप इज़ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फिश फ्राई टू नर्सरी।
अब ये जो छोटी हैचिंग होने के बाद जो छोटी बिल्कुल छोटी जो फिशेज हैं इन्हें कहते हैं फिश फ्राइज। इन फ्राई फिश फ्राइज को इन हैचरीज से कलेक्ट करके ट्रांसपोर्ट किया जाता है और फिर ले जाया जाता है नर्सरीज में। इन को भी ट्रांसपोर्ट करते समय अर्दन पॉट जो मिट्टी के बर्तन होते हैं और ऊपर से ढके हुए होते हैं उनका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा एल्केडन बैग्स होते हैं अलग अलग साइज़ के, उनको भी यूज़ किया जाता है इन फिश फ्राइज़ को नर्सरी पॉन्ड तक ट्रांसफ़र या ट्रांसपोर्ट करने के लिए। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ कीपिंग फिश फ्राई इन नर्सरी पॉन्ड। ये जो न्यूली हैच्ड फिशेस हैं, फिश फ्राई जिन्हें हम कह रहे हैं जो निकली हैं, अब इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है नर्सरी पॉन्ड में। अब इस समय बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। ये जो नर्सरी पॉन्ड है ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये हैचिंग हैपस के पास ही हो, बहुत ज़्यादा दूर नहीं हो, और इनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी ध्यान रखना चाहिए ताकि इसमें बड़ी फिशेस ना हो, क्योंकि इसमें अभी हम फिश फ्राइज को ट्रांसफ़र कर रहे हैं जो कि बहुत छोटी छोटी हैं। अगर बड़ी फिशेज होंगी या प्रीडेटरी फिश होंगी तो वो इनको खा जाएंगी, इसलिए इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। और करीब एक हफ्ते तक इन फिश फ्राइज को नर्सरी पॉन्ड में रखते हैं, और जब करीब ये एक इंच लंबी हो जाती है, साइज़ थोड़ा सा ठीक हो जाता है, एक इंच लंबी हो जाती हैं, तो फिर इनको रेयरिंग टैंक्स में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ये जो रेयरिंग टैंक्स हैं या रेयरिंग पॉन्ड्स हैं, इनमें जो फिश फ्राइज को लाए थे अब इनको ग्रो किया जाता है। ये फिंगरलिंग्स कहलाते हैं, इनको पाला जाता है। ये जो पॉन्ड्स हैं थोड़े लंबे होते हैं और थोड़े नैरो होते हैं, सकड़े होते हैं, ताकि डिस्टेंस ज़्यादा हो स्विमिंग के लिए। यहाँ पर क्योंकि फ़िश अब ग्रो कर रही है तो स्विमिंग के लिए उसको डिस्टेंस मिले, इसलिए थोड़े लंबे और नैरो होते हैं। तो इस रेयरिंग टैंक में ये जो फिंगरलिंग्स हैं इनको स्पेशल जाल होते हैं उनसे पकड़ा जाता है और फिर छोड़ा जाता है बार बार। इसका पर्पस यही होता है उनको पकड़ना और छोड़ने का। अब यहाँ पर जो फिंगरलिंग्स होते हैं इनको 4 से 6 महीने तक रखा जाता है, जब तक कि उनका साइज़ अच्छा हो जाए। करीब 20 सेंटीमीटर तक का अगर इनका साइज़ हो जाता है तब तक इनमें इनको रखा जाता है और फिर ट्रांसफ़र किया जाता है स्टॉकिंग पॉन्ड में। स्टॉकिंग पॉन्ड में जब फिशेस को ला रहे हैं तो फिंगरलिंग्स जो हैं वो काफ़ी साइज़ इनका हो गया है। ज़्यादातर हैचरीज जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन टैंक्स को यूज़ करती हैं, और कैचिंग कैपेसिटी जो है उसकी वो पानी के वॉल्यूम के द्वारा, जैसे टैंक में कितना पानी है, क्या डिज़ाइन है टैंक का, उससे उसको मेंटेन किया जाता है। अलग अलग तरह की मटेरियल जैसे कि वुड हो गई, लकड़ी हो गई, या प्लाईवुड या ग्लास होता है फाइबर शीट्स जिसकी होती हैं, या एल्यूमिनियम, इनको यूज़ करता है करते हैं इन स्टॉकिंग टैंक्स को बनाने के लिए। इसमें से जो फाइबर ग्लास प्लाईवुड टैंक है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि लाइट वेट होते हैं, इनका वेट भी कम होता है, और इनको बनाने की जो कॉस्ट है वो भी कम आती है, इंसुलेशन प्रॉपर होता है और स्ट्रेंथ भी होती है, मजबूत होते हैं ये। अब ये जो यूनिट्स हैं इनमें पानी जो है, वाटर जो है, वो सर्कुलेट होता रहता है, रिसर्कुलेट होता रहता है, और ऑक्सीजन सप्लाई मेंटेन की जाती है लगातार। तो इस तरीके से इन स्टॉकिंग पॉन्ड्स में फिशेस को रखा जाता है कुछ समय तक, और ये जो टैंक्स हैं उनको प्रिपेयर किया जाता है इस बात के लिए कि वो उसमें प्रीडेटर्स ना हों, अगर हों तो उन्हें रिमूव कर दिया जाता है। और इस स्टॉकिंग टैंक में यंग फिशेस को रखा जाता है जब तक कि वो मार्केट में ले जाने लायक नहीं हो जाती, और इसको प्रॉपर फूड दिया जाता है ताकि ग्रोथ लगातार फिशेस की होती रहे और अच्छा साइज़ उनका प्रोड्यूस हो सके। तो इस तरीके से फ़िश का कल्चर किया जाता है, अच्छी साइज़ अच्छे वेट की फ़िशेस प्राप्त की जाती हैं, और फिश प्रोडक्ट में फिर अच्छा फिश फ्लैश मिले। इसके अलावा जो फिश फ्लैश है
उसका केमिकल कंपोजिशन अगर हम देखें तो उसमें ऑयल होता है बहुत ज़्यादा, मॉइस्चर और ऑयल 80% होता है और करीब 15 से 25% प्रोटीन होती है। इसके अलावा मिनरल्स होते हैं 1 से 2% और बाकी 1% सम अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। तो इस तरीके से फिश से फिश प्रोडक्ट्स भी प्राप्त होते हैं जिसमें फ़िश फ्लैश और फिश ऑयल जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, जो कि यूज़ किया जाता है रेगुलरली।